भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेल में इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। जैसे ही ये खबर देश में पहुंची, लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं नगर निगम सदन की 19वीं बैठक में पार्षदों ने जब महापौर को इसकी सूचना दी तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान नगर आयुक्त ने घोषणा की कि ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को नगर निगम सम्मानित करने के साथ 1,00,000 रुपए की राशि देगा। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को नगर निगम 1,00,000 रुपए और उनका सम्मान करेगा, जिसका सभी पार्षदों ने ध्वनिमत से सहमति व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, बाकी को हमें बधाई दे दिएगा मेयर साहब और पूरे सदन की तरफ से उसको उस खिलाड़ी को देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात करने के लिए बधाई दी जाती है। ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे हमारे खिलाड़ी, हमारे भारत का गौरव बढ़ाएंगे, उनको नगर निगम की तरफ से 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। जो उन्हें दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, इसका निर्णय हमारी कार्यकारिणी करेगी।